बेतिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लूटकांड में संलिप्त अपराधियों को पिस्टल सहित गिरफ्तार किया है। बता दें कि गोपालपुर के सरगटिया नहर किनारे निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था और 1,38,000 रुपए लूटकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम बनाकर छापेमारी की और घटना में शामिल अपराधी मोहम्मद सफदर को एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सफदर पर मोतिहारी में भी लूट का मामला दर्ज है। साथ ही अन्य मामलों में बानू छापर ओपी क्षेत्र में पुलिस ने दो अपराधियों को 2 पिस्टल और 3 गोली के साथ गिरफ्तार किया है। डीएसपी सदर को बीती रात एक सूचना मिली कि बानू छापर क्षेत्र में कुछ अपराधी इकट्ठा होकर के एक बड़ी अपराध की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मौके पर उपस्थित थाना इसके अलावा टाउन थाना और बानू छापर के साथ में एक टीम बनाई गई। टीम ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 1 देसी पिस्टल और 1 देसी कट्टा जो कि लोडेड था। इसके अलावा मोबाइल और बाइक बरामद किया गया और जब इनसे फर्दर पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया है कि बानू छापर के एरिया में और मनुआ पुल के एरिया में इन्होंने कई अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। इस प्रकार से पुलिस को अरेस्ट कर करके अपराधियों में दहशत कायम करने में बड़ी कामयाबी मिली है। इसके अतिरिक्त पिछले हफ्ते में गोपालपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक लूट के घटना को अंजाम दिया था। इस घटना पे लगातार कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम को एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें डीएसपी सदर के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने एक व्यक्ति को मोतिहारी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसने अपनी लूट में अपनी संलिप्तता को बताया है। और जब इससे और पूछताछ की गई तो इसने मोतिहारी के रामगढ़वा और सुगौली क्षेत्र में भी कुछ घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसके बारे में पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेतिया से शकील अहमद की रिपोर्ट।